दोस्तों लास्ट तक देखना, हमारे गांव में एक भूतिया जगह भी है। ओ भाई मेरा गांव, जो सुबह उठ के उसको देखते तो माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, कितना खूबसूरत क्यों है। Hey guys, मैं हूँ आसाब और आज मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गांव जो विलेज एरिया है वही आप लोग को दिखा देते हैं। और ये मेरे घर के सामने ही है रेलवे लाइन, और रेलवे इधर से करीबन हाफ किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन। हमारा रेलवे लाइन डेवलप हो रहा है हमारे लंका में, वो आप लोग देख रहे हैं। कारेंट का जो रेल आएगा इसके लिए वो खंबा खड़ा किया, तो हम लोग चलते हैं इधर। ये है शशान घाट जहाँ नूरजमल को सुलाएंगे हम लोग। हाँ पहले तो तुम ही जाएगा ना। ये पेड़ देखिए, जो मुझे गारंटी है जो टाउन में रहते हैं उसको पता नहीं, इस पेड़ का नाम है चुत्रापाता। वो जिसके मतलब शरीर में लगेगा उसको नचा देगा। थोड़ा लगा देते हैं, आ जाओ। मैं उसको थोड़ा आ जा तेरा नचा दे। ये एक लौता दुकान है इस एरिया पे, और ये हमारा फील्ड है जो हम फील्ड दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये फील्ड है हमारा, इधर वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है, और पूरा फील्ड में देखिए ना जंगली घास हो गए। अरे भैया क्या हाल चाल है? ये मतलब क्या राय बोल दीजिए, कैसा दिन चल रहा है? बोल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत मेहनत करते हैं वो भाई, मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत। रहा वाला घर जो आज आगे थे तीन चार दिन रहा है दोस्तों। यही जो पीछे दिख रहा है यही हमारा घर है। हाँ, इसमें जितने भी रूम में लोग रहते हैं सब किराए में रहते हैं। 80-90% आदमी आपका यही धान खेत करता है। और दोस्तों ये धान पक रहा है, आप लोग देखिए ये पूरा पकने ही वाला है। दुर्गा पूजा के लिए इधर पेंडल भी बने हैं इस साइड पे, काली मंदिर। स्थान तक ले जाते हैं हम लोग आपको दिखाते हैं इधर कब्रिस्तान है। देखो तो एक दिन जाना पड़ेगा, तो कम से कम अल्लाह जब पूछेगा क्या किया तूने, बोलूँगा कब्रिस्तान का वीडियो किया। कब्रिस्तान तो दिखाए ना लोग। दोस्तों ये है कब्रिस्तान जो आप लोग को दिख रहा है, ये बाउंड्री के एरिया से उधर जो पत्थर दिख रहा है उस साइड वो पूरा कब्रिस्तान है। इसका काम देखिए, पहले जब छोटा था ना तो पकड़ के यहाँ में रस्सी डालता था, रस्सी डाल के तो छोड़ देता था रस्सी पकड़। हाँ। लेकिन हमारा गांव का स्कूल है यही, ये जितना भी टूटा फूटा हुआ ना वो हम लोग ने क्रिकेट खेल के फोड़ दिया। पैर भी तोड़ा था। हाँ। और दोस्तों इस रूट का नाम है AK आजाद नगर रूट। दोस्तों हम लोग
पूरा एक चक्कर मार के आ गया, और हमारा वो शादी करने वाला दोस्त था ना, वो भी आ गया। ये देखिए, वो मतलब लड़की पटाने के लिए निकल गया, घर से झूठ बोल के निकल गया लड़की पटाने के दुकान देने का मजा अलग है ना शुद्ध यार भाई, क्या बोल रहे तू? ये दुकान देने का मजा अलग है ना। देख सकते हैं नया नया ओपन किया, उसके लिए दुआ करना, मतलब आप लोग जो भी आएंगे उसके दुकान से सामान खरीदना। डिस्काउंट बता दो। हाँ, उसका डिस्काउंट है 10 रुपये वाला मैगी में 8 रुपये डिस्काउंट, 2 रुपये देना पड़ेगा। और बता रहा हूँ आप लोग को, इसका मुंह देखना है, इधर 21 ईयर्स हो गया, इधर ही रह रहा हो हम लोग, एक भी लड़की नहीं पटा, लेकिन दुकान देने के साथ साथ ही दो एक तो लड़की पटा। रुक रुक, क्या खाओ इधर से, नीचे देखो, 30 रुपये वाला कुछ है नहीं, ये कितना है? गाय का मूत खा रहा है आप लोग, तुमको नहीं मिलेगा ना, गाय का मूत पी रहा है। इसका नाम है पूब लंकापट्टी एलाहिया जामे मस्जिद, और 1952 में ये बना था, और ये आप लोग का इसका व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत। मेरा साथ और मेरा और एक दोस्त है यार आशिक, हाँ दोस्तों, हम लोग ये रोड से जा रहे हैं, इस रोड का नाम है भूतिया रोड। इधर एक स्कूल है जो आपका पूरा पत्थर के बीच में स्कूल है, और रात में तो इस रोड से कोई जाता भी नहीं है, पूरा जंगल के बीच में स्कूल है। इधर लोग बोलते हैं कि बहुत भूत है। दोस्तों ये जो सामने आप लोग को स्कूल दिख रहा है, यही स्कूल है भूतिया स्कूल। स्कूल का सामने तो आ गए, लेकिन अंदर जाते ही डर लग रहा है, तब भी चलते देखते क्या। ओ भाई माता छोड़, इधर कुछ नहीं है, आप लोग देखिए अंदर का तो नाम भी पता नहीं, आप लोग देखिए, और इधर सब का रूम है। दोस्तों हमारे विलेज में यही एक स्कूल है जो भूतिया स्कूल बोलता है, लोग नहीं आता, और हमारा विलेज ब्लॉग इतने खत्म, अब हम लोग चलते हैं इधर से। भाई कुछ आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं।